मेरे साथ बहुत ही ब्यूटीफुल सी नेहा धूपिया हैं, और ये बताइए नेहा, इंदौर आने की वजह और इंदौर आके कैसे लग रहा है? वेल, आज हम आए हैं यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवमेंट लेकर. ज़्यादातर आप देखते हैं अलग अलग कैंपेन्स लेकर. जिलेट की तरफ से एक ये इनिशिएटिव है, एक मूवमेंट है जिसका नाम है पास, विच इज़ प्रोटेस्ट अगेंस्ट स्मेली स्टबल. और हम बस इतना कहना चाहते हैं इन वेरी प्लेन एंड सिंपल वर्ड्स दैट वी एज वुमेन विल कम क्लोजर टू यू ओनली इफ यू शेव. सो प्लीज़ गेट रिड ऑफ दैट स्मेली स्टबल. और अगर आप लोगों ने शेव नहीं किया है, वी जस्ट थिंक दैट मैन आर फार मोर रिलायबल, फार मोर हाइजीनिक, फार मोर वेल ग्रूम्ड अगर आप शेव करके आए तो. वेल, इंदौर, इट्स द थर्ड टाइम यू आर इन इंदौर, सो इंदौर की कौन सी ऐसी चीज है जो बहुत एक्साइटेड थी कि नहीं इंदौर जाना है तो ये तो करना ही करना है? वेल, आई नो दैट द फूड इज वेरी नाइस हियर, और अभी तक हमें खाने का मौका नहीं मिला. और जब भी हम आते हैं बहुत कम देर के लिए आते हैं. और मेरे हिसाब से द अदर थिंग इज डेफिनेटली द रिस्पॉन्स ऑफ द पीपल. हमेशा जब हम आते हैं हमें बहुत प्यार मिलता है, एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड टू बी हियर टुडे. पोहा जलेबी टाइप कुछ खाया कि नहीं अभी तक? अभी तक तो नहीं, पर जब वक्त मिलेगा तो हम ज़रूर खाएंगे. अच्छा, इतने सारे लोगों के साथ आपने काम किया है, इंडस्ट्री के गुड हीरोज, शाहिद कपूर के साथ भी किया है. ही लुक्स वेरी ब्यूटीफुल व्हेन ही इज क्लीन शेव. तो कौन सा ऐसा हीरो था जो आपको लगा कि नहीं यार ये क्लीन शेव में परफेक्ट फिट होता है? वेल, आई थिंक शाहिद, आमिर, सलमान, एंड टुडे मोस्ट इम्पॉर्टेंटली माई को स्टाफ ऑफ द डे, रणदीप हुडा. ओके, ये बताइए कि इतने सारे लोगों के साथ काम की, इतनी सारी मूवीज में कौन सी ऐसी मूवी थी जिसमें काम करके सबसे ज्यादा मजा आया? मतलब इट वाज मोर देन अ वर्क, यू नो, फ्रेंडली. मुश्किल होता है इस सवाल का जवाब. यू कांट बी डिप्लोमेटिक. एनीवन डिप्लोमेटिक, इफ यू डोंट, इफ आई डोंट एंजॉय माय वर्क आई डोंट डू इट. सो आई थिंक द बेस्ट पार्ट अबाउट माय वर्क इज आई एंजॉय इट. और अगर मुझे आज भी, अगर मैं पास मूवमेंट में बिलीव नहीं करती और अगर मेरे को लगता कि यू नो इट्स नॉट प्रोटेस्ट अगेंस्ट स्मेली स्टबल इज नॉट समथिंग दैट आई नीड टू टॉक अबाउट, तो मैं बिल्कुल आती नहीं यहाँ पे. बट इट इज डेफिनेटली अ प्लेस दैट आई वॉन्ट टू बी एट, एंड आई एंजॉय एवरीथिंग, चाहे वो कैंपेन हो, चाहे वो एडवर्टाइजमेंट हो, चाहे वो मूवीज हो. ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस कि आपको क्लीन शेव मैन अच्छे लगते हैं, ऐसी पाँच चीज़ें जो आप चाहते हो कि एक यू नो एक हैंडसम लड़के में होनी चाहिए जिसके साथ आप डेट पे जाएं, मतलब पांच चीज़ें अपार्ट फ्रॉम दिस. वेल, द फर्स्ट थिंग इज ही शुड शेव ऑन एवरी मंडे, देन ही शुड शेव ऑन एवरी ट्यूसडे, एवरी वेडनेसडे, एवरी थर्सडे, एवरी फ्राइडे, ही शुड शेव एवरी डे ऑफ द वीक. एंड यस, द बोनस इज आई नो सेवन थिंग्स, सो शेव एवरी डे ऑफ द वीक, सैटरडे एंड संडे एज वेल. अपार्ट फ्रॉम दिस, कोई ऐसा कोई फीचर नहीं है जो आप चाहती हैं कि नहीं ये तो होना ही चाहिए, हाइट इतनी होनी चाहिए, गोरा होना चाहिए? अभी बता दूं तो फिर सब लोग अपना बायोडाटा लेकर आ जाएंगे ना. ओके, थैंक यू. दिस इज बीटीवी युवा, यंगस्टर्स बेस्ड चैनल. यंगस्टर्स डू फॉलो यू, दे आर इंस्पायर्ड बाय यू. व्हाट मैसेज और एडवाइस यू वांट टू गिव टू ऑल द यंगस्टर्स? वेल, आई जस्ट वांट टू लेट एवरीबॉडी नो दैट बी योरसेल्फ, हैव फेथ इन योर ड्रीम, गो अहेड, अचीव इट. एंड टू ऑल द मेन आउट देयर, please make sure that you shave every day. And to all the women out there, get closer to men who shave every day. Thanks for watching. This is Neha Dhupia and you're watching me on BTV Yuva.